This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। UPSC एग्जाम 2017 के नतीजों की घोषणा, हैदराबाद के अनुदीप ने किया टॉप। UPSC सिविल सर्विसेज 2017 की परीक्षा के परिणाम की घोषणा हो गई है। इस परीक्षा में हैदराबाद के अनुदीप दुरीशेट्टी ने देश भर में टॉप किया है, वहीं अनु कुमारी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। सचिन गुप्ता ऑल इंडिया रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं। ये पहली बार नहीं है जब अनुदीप ने UPSC की परीक्षा पास की है। इस बार उन्होंने बेहतर रैंक के लिए परीक्षा दी थी। वो फिलहाल रेवेन्यू सर्विसेज IRS में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। वो बीट्स पिलानी से पढ़े हैं और उन्होंने OBC कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी। नतीजे आने के बाद दुरीशेट्टी अनुदीप ने कहा कि वो अपने रिजल्ट से खुश हैं। उन सभी के आभारी हैं जिन्होंने तैयारी के दौरान उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि वो सफर आसान नहीं था और इस मुकाम पर पहुंचकर वो बेहद खुश हैं। UPSC ने एक बड़े बयान में कहा कि कुल 990 अभ्यर्थी, जिसमें 775 पुरुष और 240 महिलाएं, की अनुशंसा अखिल भारतीय सेवाओं यानी IAS, IPS एवं विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के लिए की गई है। इनमें 476 सामान्य श्रेणी के हैं, 275 उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, 165 अनुसूचित जाति और 74 अनुसूचित जनजाति से आते हैं। उम्मीदवारों में शारीरिक रूप से अशक्त 29 उम्मीदवार भी शामिल हैं। शारीरिक रूप से अशक्त बाधिर उम्मीदवार सौम्या शर्मा ने 990 परीक्षार्थियों में 9वां स्थान हासिल किया है। सबसे कठिन भारतीय परीक्षाओं में गिने जाने वाली ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। पिछली बार परीक्षा में 9.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। पहला परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, दूसरी परीक्षा में कॉम्प्रिहेंसिव सवाल पूछे जाते हैं और आखिरी चरण इंटरव्यू का होता है। इस एग्जाम के तहत इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, जिनमें ग्रुप ए और बी के पदों पर नियुक्ति होनी है।